अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बोवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। मनसे कार्यकर्ता इरफान सैयद ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे की तस्वीर को दूध से नहलाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इरफान सैयद, जो मुमरा के मनसे कार्यकर्ता हैं, ये राज ठाकरे की तस्वीर को दूध से नहला रहे हैं। इरफान सैयद ने बताया कि अवैध मजार पर कार्रवाई करने की मांग राज ठाकरे ने की थी और वाहिम में कार्रवाई भी हुई। इसी के साथ मुमरा शहर का मुद्दा भी अविनाश जाधव ने उठाया और उन्हें मुमरा में आने से फिलहाल रोक लगा दी गई है, मगर कब तक रोक लगाई जाएगी? राज ठाकरे की तस्वीर को दूध से नहलाने के बाद मनसे कार्यकर्ता इरफान सैयद ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। इरफान भाई, आपने मनसे प्रमुख राज ठाकरे साहब की तस्वीर को दूध से नहलाया, क्या मामला है पूरा? अस्सलाम वालेकुम। दूध से हमने इसलिए राज माननीय श्री राज साहब ठाकरे की फोटो को इसलिए नहलाया कि जो उन्होंने उस दिन भाषण में बोले थे कि इनलीगल जो दरगाह है उसे तोड़ी जाए, तो इनलीगल थी इसलिए वहाँ पर तोड़ी गई। और मुमरा के अंदर थाना में हमारे अविनाश दादा ने जो वन विभाग को नोट लेटर दिया है उस पर भी कार्रवाई चालू है, अगर इलीगल होगी तो ज़रूर तोड़ी जाएगी। दूसरी चीज़ हम ये बता दें, जो कल मुमरा में बहुत से लोग पुलिस स्टेशन में नारेबाजी किए और लेटर दिए हैं उनको रोकने का, ठीक है, कब तक करेंगे रोकेंगे? अभी रमज़ान का महीना है, बहुत से मुसलमान जो है राज साहब के साथ है, क्योंकि अंकुरित जो है इलीगल जो है वो उन्होंने जो राज साहब ने काम किया है हमारे साथ में बहुत से, और राज साहब के साथ में बहुत से मुसलमान जुड़े हुए हैं, मुझे जो है बहुत से कॉल आ रहे हैं और बहुत से मुसलमान कह रहे हैं कि हम मुमरा में राज साहब को भी लाएंगे और अविनाश दादा को भी कितने दिन रोक लगाएंगे, और रमज़ान के बाद में ज़रूर बाज़ार में आएंगे इंशाल्लाह।